हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक एनिमेटेड मोशन ग्राफिक पोस्टर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही कूल ट्यूटोरियल होगा आज का। काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स और मेथड हम लोग कवर करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। और तो और मैं एक फ्री स्क्रिप्ट के बारे में भी बताऊंगा जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो मेक श्योर करो कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक ज़रूर करना। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे है हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू कॉम्पोजिशन, और आप लोग यहाँ पे जो भी साइज लेना चाहो वो ले सकते हो। आप जो भी डिमेंशन या रिजोल्यूशन का पोस्टर बना रहे हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं रखूँगा 1000 हाइट बाय 1000 विड्थ, 30 FPS और 10 सेकंड्स, और इसे मैं नाम दे दूंगा रेंडर। और एक चीज़ जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन यूज़ करता हूँ, तो मैं बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स 2020 अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। 2021 भी आ चुका है तो मैं वो इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसमें अभी भी थोड़े बहुत बग्स है, तो कोई कोई प्लगइन्स भी कंपैटिबल है नहीं अभी 2021 के साथ। सो इसलिए मैं 2020 प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और हाँ, मैं क्रैक वर्जन नहीं यूज़ कर रहा हूँ। सो चलिए क्लिक करते हैं ओके पे, और हमारा जो न्यू कॉम्पोजिशन है वो रेडी है। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। हाँ, बट उससे पहले आपको एक चीज़ करनी है, आपको एक फ्री स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है, और इस स्क्रिप्ट को मैंने अपने टॉप 10 प्लगइन्स में भी मेंशन किया था। इस स्क्रिप्ट का नाम है की फ्रेम विंगमैन। ये बेसिकली एक फ्री स्क्रिप्ट है जो एनिमेशन कंपोजर के साथ आती है। इससे हम लोग ग्राफ एडिटर को काफ़ी ईजिली ट्वीक कर पाएंगे, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि ये स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, बस जान लो अभी के लिए कि ये स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रीवियसली एक ट्यूटोरियल बनाया है स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करते हुए, तो मैं उसकी लिंक मे बी प्रॉब्ली मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज, सो काफ़ी सिंपल स्क्रिप्ट एक्चुअली, मैं जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे एक न्यू सॉलिड क्रिएट करने के लिए। इसे नाम दे देंगे BG फॉर बैकग्राउंड। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना स्लो क्यों आज बात कर रहा हूँ, मैं रात के 1:30, तो अराउंड 1:30 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बानी सो रही है एज ऑलवेज। सो एनीवेज, आई एम गोना हिट ओके। हमारा जो न्यू सॉलिड है वो रेडी है। अब सबसे पहले हम लोग जो है वो अपना कॉम्पोजिशन का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और फिर उसको एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक शूज़ का इमेज है। बाय द वे, आप लोग ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से जाके आप लोग ये सेम प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो और फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो इस ट्यूटोरियल के साथ। सो मैं एस प्रेस करके स्केल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूँगा और इसे स्मॉल कर दूंगा काफ़ी, तो अराउंड मे बी 75 बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। जाते हैं अराउंड 45 के साथ, 45 भी काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, 35, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हमारा शूज़ हो गया। अब इस शूज़ की हम शैडो क्रिएट करेंगे, तो शैडो क्रिएट करने के लिए मैं इसका सिंपली एक डुप्लीकेट बना लूँगा कंट्रोल डी प्रेस करके। इसे मैं नाम दे दूँगा शैडो, फिर जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और ऐड करेंगे एक फास्ट ब्लर इफेक्ट, फास्ट बॉक्स ब्लर, और जो ब्लर रेडियस है उसे मैं सेट कर दूंगा 75 पे, और सिंपली शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे नीचे इस तरीके से मूव कर लूँगा, तो हमें ये बहुत ही अच्छी सी एक शैडो इस तरह की मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा एक डेप्थ आ जाएगा हमारे सीन में। और मैं अब चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर दूंगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस शैडो बन चुकी है, तो 70% इज़ फाइन, ठीक है। अब हमें इसके जो वो ओवरलेज थे बेसिकली, जो ऐसे लगता है कि उसकी शैडो जो है वो आगे मूव हो रही है शूज़ की, वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस शूज़ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट करने के लिए। इसे हम कुछ और नाम दे देते हैं, मे बी लाइन अंडरस्कोर O1, अब जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। और अब मुझे क्या करना है, इसका जो एंकर पॉइंट है ये सेंटर में है, तो मैं पैन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जाके, और इसके एंकर पॉइंट को इस शूज़ की इस पॉइंट पे आके रख दूंगा कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, अब जब मैं इसे रोटेट करूँगा R प्रेस करके, ये उस पॉइंट से बेसिकली रोटेट होगा और मुझे वही चाहिए। सो इसे मैं सेट करूँगा अराउंड यहाँ पे ठीक लग रहा है। फिर मैं जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और सर्च करेंगे एक इफेक्ट जिसका नाम है फाइन एजेस, डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा इस लेयर पे, और फिर F4 प्रेस करके
मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे सेट कर दूंगा मल्टीप्लाई पे। सो हमें इससे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक लुक मिल जाता है। अब सबसे पहले मैं टी प्रेस करके इसकी ओपेसिटी जो है वो 50% कर दूंगा, इससे ये अच्छा सा एक ओवरले हमें मिल जाएगा। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल डी प्रेस करके, ठीक है, इस सेकंड को लाइन टू को एक्चुअली मैं नीचे मूव कर लूँगा और टी प्रेस करके इसकी जो ओपेसिटी है वो 25% कर लूँगा। आर प्रेस करके इसे और थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरीके से और फिर और एक डुप्लीकेट बनाऊंगा कंट्रोल डी प्रेस करके इसे नीचे ले लूँगा इस तरीके से। जो ओपेसिटी है वो मैं सेट कर दूंगा अराउंड 10% और इसे मैं और भी ज़्यादा रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो हमें ये बहुत ही एक कूल सा लुक मिल जाता है। और अब मैं क्या करूँगा, एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, न्यू नल ऑब्जेक्ट, और इसे मैं नाम दे दूँगा कंट्रोल, ठीक है, और फिर F4 प्रेस करूँगा इस तरीके से और फिर मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा शूज़ के और पैरेंट कर दूँगा इस नल ऑब्जेक्ट से। सो बेसिकली अब मैं इस एक नल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करके इस पूरे जो हमारा कॉम्प है शूज़ का इससे इजीली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे हल्का सा इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, कभी ज़्यादा रोटेटेड लग रहा था, अब ठीक लग रहा है। तो ये शूज़ हमारा जो सीन है शूज़ का वो रेडी है। अगर चाहूँ तो इसे थोड़ा सा स्केल भी कर सकता हूँ और थोड़ा सा नीचे इस तरीके से मूव कर लूँगा। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो हम सभी टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। तो सिंपली मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा और टाइप इन करूंगा जो भी टेक्स्ट मुझे टाइप करना है। तो हमारा जो मे बी टैगलाइन जो है वो है फास्टर मूव्स, और ये अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कलर जो है वो वाइट पे सेट है, इसे मैं ब्लैक कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। जो स्पेसिंग है या कर्निंग है उसे मैं 0 पे सेट कर दूंगा और इस तरीके से प्रॉपरली हमारे जो टेक्स्ट है उसको एडजस्ट कर लूंगा। सबसे पहले तो बार्लो को मैं रखूंगा एक्स्ट्रा बोल्ड पे, एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक एक्चुअली, और जो फास्टर है उससे मैं रखूंगा लाइट इटैलिक। तो हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक वेरिएशन मिल जाएगा दोनों ही टेक्स्ट के बीच में। इसे प्रॉपरली मैं प्लेस कर दूंगा जहाँ पे भी मुझे प्लेस करना है। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ या प्लेस कर देता हूँ और जो साइज़ है थोड़ी सी एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से। अभी के लिए मुझे ठीक लग रहा है और इसकी जो मेन टैगलाइन है नाइकी की वो है जस्ट डू इट, सो उसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसे मैं सेट कर दूंगा एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक पे, स्मॉल कर देंगे काफ़ी ज़्यादा और इस तरीके से यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे। जो स्पेसिंग है उसे मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ और जो साइज़ है उसे भी मैं थोड़ी छोटी कर दूंगा इस तरीके से। और ये जो हमारी टैगलाइन है वो प्लेस कर दी है मैंने। अब जो लोगो है नाइकी का वो भी हम लोग प्लेस कर देते हैं इस तरीके से, स्केल डाउन कर लेंगे काफ़ी छोटा सा यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से मैं यहाँ पे, मैं आजकल इस तरीके से ये बहुत रिपीट करने लग गया मुझे लग रहा है, जो स्केल है उसे मैं 12 कर दूंगा और फाइनली ये एक बहुत ही अच्छा लुक हमें मिल रहा है। अब कुछ एलिमेंट्स हम लोग ऐड करेंगे इस पूरे डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी दिख रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा, एक शेप क्रिएट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके ताकि हमें प्रॉपर एक स्क्वायर मिले, ताकि हमें एक प्रॉपर स्क्वायर मिले। इसे मैं नाम दे दूँगा बॉक्स और फिर मैं जाऊँगा रेक्टेंगल वन में, रेक्टेंगल पाथ वन, और जो राउंडनेस है वो मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। और अब हम इसे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से बैकग्राउंड में और बेसिकली प्लेस करेंगे रोटेट करके। सो रोटेट करूंगा अराउंड 45 डिग्रीज आई गेस एज इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। एस प्रेस करके मैं स्केल डाउन कर दूंगा इसे, काफ़ी बड़ा लग रहा है तो ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर मैं जाऊंगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और ऐड करूंगा ग्रेडियंट रैम्प। सो डबल क्लिक करेंगे ऐड करने के लिए। ये जो पॉइंट है मैं इसे यहाँ पे मूव कर लूँगा और इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इस ब्लैक कलर को एक्चुअली मैं एक ऑफसेटेड ब्लूइश सा कलर दे दूंगा और इसे तो हम लोग वाइट ही रखेंगे। तो इससे हम लोग को एक बहुत ही एक अच्छा सा फेडेड शेप का एक लुक मिल जाता है यहाँ पे। तुम चाहो तो उसको और थोड़ा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा कंट्रोल डी प्रेस करके और इस समय यहाँ पे मूव कर लूँगा इस तरीके से और सिंपली इसके जो पॉइंट्स हैं उनको भी मैं
इस तरीके से इस जगह पे प्लेस कर दूंगा, तो हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेड शेप्स मिल जाते हैं। तो फाइनली हमारा जो कॉम्पोजिशन है डिज़ाइन का वो रेडी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ के इसे एनिमेट करेंगे और वहीं पे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, हमें ये स्क्रिप्ट जो है की फ्रेम विंगमैन, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं बहुत ही क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये स्क्रिप्ट करती क्या है। तो मैं सभी को एक्चुअली हाइड करके सिर्फ ये बैकग्राउंड लेयर को ऑन रखता हूँ। मैं जाता हूँ 1 सेकेंड पे, एस प्रेस करूँगा, अनलिंक करूँगा, क्रिएट करूँगा एक की फ्रेम, जाऊँगा 0 फ्रेम पे और इससे मैं सेट कर दूंगा 0 पे। तो बेसिकली हमें ये बहुत ही एक सिंपल सा एनिमेशन मिल जाता है, राइट। अब अगर मैं मुझे इस की फ्रेम को इजी ईज करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, जाऊंगा की फ्रेम असिस्टेंट में और क्लिक करूंगा इजी ईज पे, या F9 जो शॉर्टकट है वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट अभी अगर मैं ग्राफ एडिटर में जाता हूँ तो मैं इसे ट्वीक कर सकता हूँ ऑब्वियसली इस तरीके से, इस हैंडल को यूज़ करके, बट ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा अगर मुझे यही चेंजेस हर एक लेयर में करने पड़े, जो कि हमें करना भी है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली ये स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं दोनों ही की फ्रेम्स को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और इन हैंडल्स को यूज़ करके मैं इजीली इसे ट्वीक कर सकता हूँ। मैं अनलिंक करके एक्चुअली एक एक हैंडल को भी अलग से चेंजेस कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मुझे दोनों के साथ ही चेंजेस करने हैं और मैं इसे सेट कर दूंगा एक्चुअली 95 पे। तो हमें ये बहुत ही एक स्नैपी सा एनिमेशन मिल जाता है। और अब मुझे अगर यही एनिमेशन हर एक की फ्रेम पे ऐड करना है, जहाँ पे भी मैं की फ्रेम क्रिएट करूँगा या मूवमेंट क्रिएट करूँगा, तो मुझे सिंपली इस स्मॉल आइकन पे क्लिक करना है और ये सेम प्रीसेट या सेम एनिमेशन स्टाइल इस पे ही उस वो नए की फ्रेम पे ऐड कर देगा। ऑलराइट, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बट अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के साथ। सो हमारा जो बैकग्राउंड है वो एनिमेट हो चुका है। अब हम इन सभी लेयर्स को एक्चुअली हाइड कर देते हैं और सिर्फ शूज़ पे फोकस करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा 1 सेकेंड पे, जाऊँगा ये जो लाइन लेयर्स है, जो शू के लाइन है, हम लोग आर प्रेस करेंगे और इनकी जो रोटेशन है उसे 0 पे सेट कर देंगे, तो ये शू के साथ अलाइन होगा कुछ इस तरीके से। और फिर इस शू को एनिमेट करेंगे, तो मैं सिंपली जो हम लोगों ने जो नल ऑब्जेक्ट से कंट्रोलर लेयर बनाया था उसको हम लोग एनिमेट करेंगे। पी प्रेस करके क्रिएट करेंगे एक न्यू की फ्रेम, इसे मैं मूव कर लूँगा अराउंड 2 सेकेंड पे और फिर इस तरीके से इस शूज़ को मैं बाहर मूव कर लूँगा, ठीक है। तो हमें ये बहुत ही अच्छी से एक एनिमेशन मिल जाएगी। और फिर मैं जाऊँगा अराउंड 20 फ्रेम्स, जो कि है 1 सेकेंड एंड 20 फ्रेम्स, और एनिमेट करूँगा इसके रोटेशन को। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से रोटेशन पे क्रिएट करेंगे की फ्रेम, जाएंगे अराउंड लेट्स गो 2 सेकेंड एंड 15 फ्रेम, लुक्स गुड। और इस तरीके से अब मैं इसे एनिमेट कर दूंगा यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो हमें ये बहुत ही एक कूल सा एनिमेशन मिल जाएगा, ऐसे लग रहा है कि शूज़ आगे रोटेट हो रहा है। और हाँ, रोटेट से याद आया, मुझे इसको इस शूज़ को भी रोटेट करना है इस पोजीशन एनिमेशन के साथ। सो मैं यहाँ जाऊँगा, आर प्रेस करूँगा रोटेशन के लिए, क्रिएट करूँगा एक न्यू की फ्रेम, यू प्रेस करूँगा, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसकी जो रोटेशन है उसे मैं सेट कर देता हूँ अराउंड 17 पे, लेट्स सी व्हाट वी गेट। और ये हमें हल्का सा एक रोटेशन मिल रहा है, मे बी और इसे थोड़ा रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से और मेक श्योर करना है कि शूज़ जो है वो फ्रेम के बाहर ही रहे। और फिर ये अंदर आते आते इस तरीके से रोटेशन मूवमेंट हो और हमें ये रिवील मिले, जो पीछे के जो शूज़ के लेयर्स है वो रिवील हो इस तरीके से। बहुत ही एक कूल लुक हमें मिल जा रहा है यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, इसे अनलिंक करूँगा, इसे सेट कर दूँगा अराउंड 10 और इन्हें मैं सेट कर दूँगा 100 पे। अब अगर मैं इन्हें प्रिव्यू करूँ तो हमें भी बहुत ही कूल सा एक एनिमेशन मिल जाएगा। इसकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी मैं और बढ़ा दूंगा इस तरीके से। मैं चाहूँ तो इस पे मोशन ब्लर भी ऐड कर सकता हूँ, जिससे ये और भी काफ़ी रियलिस्टिक सा एक लुक देगा एनिमेशन को, ठीक है। तो जो मेन शूज़ का एनिमेशन था वो रेडी हो चुका है। अब हम एनिमेट करेंगे टेक्स्ट और शेप्स को। सो मैं सबसे पहले बॉक्स को एनिमेट कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा 3 सेकेंड्स पे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड, इस लेयर को यू प्रेस करके देखते हैं कहाँ पे की फ्रेम्स है। तो जाते हैं अराउंड
1 second एंड 20 फ्रेम्स, और इसका जो स्केल है उसे एनिमेट करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसे सेट करूँगा अराउंड 1110, ठीक है। क्रिएट करेंगे एक न्यू की फ्रेम, जाएंगे 3 सेकेंड्स पर, और इससे मैं सेट कर दूंगा 100 पर, और फिर इस की फ्रेम पे हम लोग इस तरीके से इसे सेट कर देंगे एक्चुअली 95 पर, तो हमें ये बहुत ही एक स्नैपी सा स्केल एनिमेशन मिल जाएगा। अब मैं चाहूँ तो एक्चुअली इसे और थोड़ा बड़ा रख सकता हूँ, 115 पे जाते हैं, ठीक है। और मैं मेरे जो रोटेशन थे लाइंस के, उन्हें मैं सेट कर दूंगा स्केल के साथ, सो ये प्रॉपरली यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, और इन सभी पे मैं ये एनिमेशन स्टाइल ऐड कर दूंगा, तो हमें ये बहुत ही कूल सा ये रिवील मिल जाएगा। जैसे ही ये स्केल या जूम आउट होता है, तो जो शैडो है या लाइंस है शूज़ के, एक्स्ट्रा शूज़ के, वो दिखना चालू हो जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो मूवमेंट हो रहा है शूज़ का, बहुत ही कूल लग रहा है, ठीक है। और इन्हीं के साथ मैं इन शेप्स का एनिमेशन भी ऐड कर दूंगा, तो सिंपली इन बॉक्स लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, पी प्रेस करूंगा पोजीशन के लिए, क्रिएट करूंगा एक न्यू की फ्रेम, जाऊंगा पीछे इस तरीके से, और इस शेप को मैं यहां से बाहर निकाल दूंगा, और यहां से बाहर मूव कर दूंगा इसको भी, और सिंपली इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक करेंगे, तो ये सेम एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और फाइनली अब हम इस टेक्स्ट को भी एनिमेट कर देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे एनिमेट में, ऐड करूंगा एक पोजीशन और एक प्रॉपर्टी ऑफ ओपेसिटी, फिर जाते हैं अराउंड 2 सेकेंड एंड 15 फ्रेम्स, और ओपेसिटी को मैं 0 कर दूंगा, बट उससे पहले इस मूवमेंट को नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, पोजिशन को बेसिकली 30 पे, और ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर मैं जाऊंगा रेंज सेलेक्टर में और एनिमेट करूंगा इसे, सॉफ्ट सेट कर लेंगे -100 पर, क्रिएट करेंगे की फ्रेम, फिर मैं जाऊंगा 315 पर बेसिकली, या 4 पे चले जाते हैं, 4 सेकेंड पे, और इससे मैं सेट कर दूंगा 100 पे। फिर मैं जाऊंगा एडवांस में, फिर शेप को मैं सेट कर दूंगा रैंप अप पे, और जो ईज हाई है उससे मैं सेट करूंगा 30 पे, और जो ईज लो है उससे 100 पे सेट कर दूंगा। तो इससे हमें ये बहुत ही कूल सा एक टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाता है, बट फिर मैं इस बेस्ड ऑन को कैरेक्टर से सेट कर दूंगा वर्ड्स पे, क्योंकि मुझे ये वाला जो रिवील है टेक्स्ट का, जूम इन करूँ थोड़ा, तो ये ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही अच्छा दिखता है आई थिंक। तो मैं सिंपली इस एनिमेटर को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस करके, जाऊंगा अराउंड 3 सेकेंड्स, और इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा ये जस्ट डू इट टेक्स्ट पे भी, कंट्रोल वी करके, तो इससे हमें ये बहुत ही कूल सा एक रिवील मिल जाएगा इन दोनों ही टेक्स्ट के लिए, काफ़ी सिंपल और इजी। और सिंपली इस लोगो के लिए मैं एक ओपेसिटी एनिमेशन क्रिएट करूंगा, सो सेलेक्ट करूंगा लोगो को, प्रेस करूंगा टी, क्रिएट करूंगा की फ्रेम, जाऊंगा 1 सेकेंड 15 फ्रेम्स पे, और सेट कर दूंगा इसे 0 पे, सेलेक्ट करूंगा की फ्रेम्स को और क्लिक करूंगा इस स्मॉल आइकन पे, और बेसिकली हमारा जो कंप्लीट एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है, हमारा जो कंप्लीट एनिमेटेड पोस्टर है वो बेसिकली रेडी हो चुका है, काफ़ी सिंपल और इजी स्टेप्स या मेथड्स यूज़ करके। तो तुम लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट हो वो इस तरीके से शोकेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखता है और यू नो काफ़ी एक प्रोफेशनल लुक भी क्रिएट कर रहा है कम्प्लीटली। ज़रूरी नहीं कि शूज़ ही हो, कोई हेडफोन्स हो सकते हैं या कोई माउस हो सकता है या कुछ भी टेक्स से रिलेटेड या कोई भी क्लोथिंग से रिलेटेड या कुछ भी जो भी तुम्हें सेल करना है बेसिकली, या अपना प्रोडक्ट है जिसे शोकेस करना है आप लोगों को, तो ये टेक्निक यूज़ करके आप उसे बहुत एक इंटरेस्टिंग सा पोस्टर बना सकते हो और एनिमेशन ऐड कर सकते हो। और हाँ, और एक चीज़ है कि ये जो की फ्रेम विंगमैन स्क्रिप्ट है, इसे डाउनलोड करके हमेशा रखना, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में भी इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा। इससे क्या है कि हमें ग्राफ एडिटर में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी ईजिली हम लोग एनिमेशन को चेंजेस और एनिमेशन में चेंजेस कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके। सो दैट इज़ अ रैप गाइस, आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।